राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अवशान माता की बहुत अच्छी कथा। कैसे एक बुढ़िया के लंगड़े लूले बेटे को अवशान माता ने ठीक किया। अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बुढ़िया थी, वह अवशान माता को बहुत मानती थी। उसका एक ही बेटा था जो एक हाथ और एक पैर से अपाहिज था। बुढ़िया ने अपने बेटे को बहुत प्यार से पाला पोसा था। उसने अपने बेटे को कभी भी यह एहसास तक नहीं होने दिया कि वह एक अपाहिज है। लेकिन जब बुढ़िया का बेटा बड़ा होने लगा तो गांव के लोग उसे लूला लंगड़ा कहकर चिढ़ाने लगे थे। यह सुनकर बुढ़िया के बेटे को बहुत बुरा लगता था। तो बुढ़िया माई अपने बेटे को समझाती कि उसका बेटा सबसे अच्छा और प्यारा है, उसके जैसा इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि हर माँ के लिए उसका बेटा सबसे प्यारा होता है, चाहे वो कैसा भी हो। बुढ़िया अपने बेटे के साथ होती थी तो कोई भी उससे कुछ भी कहने से डरता था, क्योंकि बुढ़िया जो झगड़ा कर देती थी और डांट देती थी कि उसके बेटे को कौन है जो लूला लंगड़ा बोले। लेकिन जब बुढ़िया नहीं होती थी तो लोग उसके बेटे को लूला लंगड़ा कह कर चिढ़ाते, तो बेचारी बुढ़िया उनसे झगड़ पड़ती थी। लेकिन लोग बुढ़िया के बेटे को अपाहिज होने का ताना मारते ही रहते थे। ऐसे ही ताने सुनते हुए बुढ़िया का बेटा बड़ा होता है। अब बुढ़िया अपने बेटे की शादी कर देती है। जब बुढ़िया की बहू घर आती है तो वह बहू भी बहुत अच्छी होती है। स्वभाव से अवशानी माता को मानती थी, क्योंकि उसके मायके में भी अवशानी माता की पूजा होती थी और सुंदर भी थी, सुशील भी थी, बहू बहुत संस्कारी आई थी। तो उसको अपने पति की अपाहिजपने से कोई लेना देना नहीं था। वह कहती थी माता रानी कृपा करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और अपने पति और अपनी सास की बहुत सेवा करती थी। अब उसकी बहू को उसके जो पति को जो कोई ताना मारता बहू के सामने, बुढ़िया की बहू के, तो बहू को बहुत गुस्सा आता था कि ये लोग मेरे पति को ताना क्यों मारते हैं, क्यों लंगड़ा लूला कहते हैं। लेकिन बहू कुछ बोलती नहीं थी। कहती थी कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो कहेंगे बहू ज़्यादा बोलती है, इसलिए बेचारी चुप रह जाती थी। अब अड़ोस पड़ोस की जो औरतें होती हैं, वे थोड़ा जब किसी लंगड़े लूले या किसी अपाहिज के लिए सुंदर पत्नी आ जाती है तो सब कुछ ना कुछ भड़काने में लग जाती हैं कि देखो ये तो लंगड़ा लूला है, इसको इतनी सुंदर पत्नी कैसे मिल गई। तो इस तरह की घरों में आग लगाने वाली बहुत औरतें होती हैं। तो जब वो देखती कि बुढ़िया घर पर नहीं है तो पड़ोस की कुछ औरतें इकट्ठी होती और बहू के पास आ जाती और ताना मारने लगती, देखो तुम कितनी सुंदर हो, सुशील हो, और कहाँ तुम्हारा पति लंगड़ा लूला, उसके लायक कहाँ थी तुम जो तुम इस तरीके से उससे शादी कर ली हो। तुम्हारे साथ तो भगवान ने बहुत बुरा किया। लेकिन वह बेचारी कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन उसका पति यह सब सुन लेता है कि देखो जब गांव की औरतें उसकी पत्नी को ताना दे रही थी कि देखो लंगड़े लूले की बीवी कितनी सुंदर है, ये तो इसके साथ नहीं रहेगी, ये तो चली जाएगी उसको छोड़ के, इस तरह की कुछ उल्टी सीधी बातें वो कर रही थी। तो उसका पति सुन लेता है तो वह सोचता है इसमें इस बेचारी का क्या दोष है, मेरे लंगड़े लूले होने के कारण इसको भी ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो वह बहुत दुखी हुआ। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो दिल पर लग जाती हैं। बुढ़िया की बहू को अपने पति का मजाक बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वह कभी किसी से कुछ नहीं बोलती थी। उनके घर से जाने के बाद वे जो बेटा था वह उसको जो घर छोड़कर चला गया कि यह सब मेरे कारण हो रहा है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, साथ में मेरी पत्नी का भी मजाक उड़ाते हैं, तो मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता है। तो बुढ़िया का बेटा जो सोचता है कि इससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है, और यह सोचकर बुढ़िया का बेटा घर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी मेरी पत्नी को ताना मारे या उसको कोई दुखी करे। तो यह सोचते सोचते वह कब जंगल की ओर निकल जाता है उसे खुद पता नहीं चलता है,
और वह जंगल में काफी आगे अपने विचारों में खोया हुआ चला जा रहा था और जंगल में काफी आगे पहुंच जाता है। लेकिन जब वह जंगल में जाने के बाद बिल्कुल नहीं डरता है कि चारों तरफ जंगल बहुत था और सुनसान था, वह डरता नहीं है क्योंकि वह तो सोच कर चलता है कि आज तो मुझे अपना जो मृत्यु को प्राप्त होना, अपना शरीर को त्याग देना है क्योंकि मेरे कारण मेरी माँ और मेरी बीवी बहुत दुखी है। यह सोचता हुआ वह आगे जा ही रहा था कि सोच रहा था कि कोई जंगली जानवर आ जाए मुझे खा जाए, क्योंकि मेरा जीवन तो बोझ है, और वह जंगल में आगे की तरफ बढ़ता ही जाता है। अब शाम हो जाती है और चलते रहने के कारण उसे भी थकावट हो जाती है। तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है और वह वहाँ जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। जिस तालाब के पास बुढ़िया का बेटा रो रहा था, उसके पास एक बहुत विशाल पीपल का वृक्ष था। अब उस वृक्ष के नीचे उसने एक बुढ़िया माई को देखा जो उधर से आ रही थी। जब वह बुढ़िया माई उसके पास आई तो वह उससे पूछने लगी, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तब वह बोला कि कुछ बात नहीं है माँ, मैं तो बस ऐसे ही भटक गया, इस जंगल में आ गया हूँ, काफ़ी छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन वह बुढ़िया तो साक्षात अवशानी मैया थी, तो वह पूछने लगी, नहीं बेटा मुझे बताओ कुछ तो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी और अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। उस अपाहिज लड़के ने सारी बातें बुढ़िया बनी अवशानी मैया को बता दी। तो अवशानी मैया ने उससे कहा कि बेटा अब तू चिंता मत कर और एक काम कर, तू थक गया है, जा इस तालाब में जा और दो डुबकी लगा के आ। और उसने उसके हाथ सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, अब तेरे दुख के दिन कट गए हैं। अब लड़का को बहुत सांत्वना मिलती है, उसे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो उसके बारे में सही बोला। तब तो वह बुढ़िया माई की बात मानकर तालाब के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह पहली डुबकी लगाता है तो उसका हाथ ठीक हो जाता है। फिर वह बहुत खुश होता है कि देखो उसका हाथ ठीक हो गया। अब वह दूसरी डुबकी लगाता है तो उसका पैर भी ठीक हो जाता है। यह देखकर वह बहुत खुश होता है और अवशानी मैया से बहुत हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, हे माता रानी ये कैसा चमत्कार है। तो बुढ़िया माई कहती है, बेटा यह सब तो तेरी माँ और तेरी बीवी के कर्मों का फल है, जो तुझे इतना प्यार करती हैं। अब तू एक काम कर, घर जा, वह तेरी राह देख रही हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। तो वह कहता है, माता है बुढ़िया माई, तुमने तो मुझे नया जीवन दिया है, तो यह जीवन तुम्हारा है। लेकिन उस बुढ़िया माई कहती है कि घर जा, जो तेरी माँ ने मन्नत मांगी है उसको बता। अब वह लड़का बड़ा खुशी खुशी अपने घर चल देता है तो देखता है कि उसकी माँ और उसकी बीवी का रो रो कर कितना बुरा हाल है। वह जाता है घर के अंदर और दौड़कर अपनी माँ को अपने गले से लगा लेता है। तो उसकी माँ भी फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मेरे लाल तू कहाँ चला गया था। और जब उसकी बीवी की नज़र अपने पति के हाथ पैर पर पड़ती है तो वह हैरान रह जाती है और कहती है, माँ जी जरा इनको ध्यान से देखो, ये तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जब बुढ़िया देखती है तो वह भी अचंभित रह जाती है कि यह कैसे चमत्कार हो गया। तब उसे याद आता है कि वह जो रोते रोते बहुत सी मन्नतें माँ को याद कर रही थी और कह रही थी कि हे माता रानी मेरा बेटा सही सलामत आ जाए। उसकी बीवी भी यही प्रार्थना कर रही थी, हे अफसानी मैया मेरा पति ठीक ठाक घर आ जाए। तो अफशानी मैया ने उनकी सुन ली, वह जोर जोर से जयकारे लगाने लगी कि अफशानी मैया ने उनकी मन्नत पूरी कर दी। अफशानी मैया ने उनकी सुन ली क्योंकि उसका बेटा अब ठीक हो चुका था, वह बिल्कुल भी अपाहिज नहीं था, नहीं कोई लंगड़ा नहीं कोई लूला, क्योंकि अब लोग उसे लंगड़ा लूला नहीं बोलेंगे, यह सोचकर वे लोग बहुत खुश थे। अब उसकी सास और बहू दोनों मिलकर कहती हैं, माँ जी मेरे पति भी ठीक हो गए और माता रानी की कृपा से हम दो रोटी भी सुख चैन से खा रहे हैं, तो अब हमें अवशानी माता की पूजा करनी चाहिए और उनका प्रसाद खिलाना चाहिए। अब अगला बृहस्पतिवार आता है तो सास बहू दोनों मिलकर अवशानी माता की पूजा की तैयारी करती हैं और सात सुहागिनों को बुलाती हैं
और पूजा पाठ करके दुरदुरिया खिला के भजन कीर्तन करती हैं, जिससे अवशानी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। हे अवशानी मैया, जैसे तुमने बुढ़िया के लंगड़े लूले बेटे को ठीक किया, वैसे ही कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी बीमारियों को ठीक करना। बोलो अवशानी मैया की जय।